गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल हो चुका है मॉर्निंग और मैं उठ चुका हूँ, मेरे दोस्तों भी उठ चुके हैं। क्या ही बोलूँ अब, हम लोग का ये थर्ड डे है और आज हम लोग यहाँ से रिटर्न होने वाले हैं। आपको यहाँ से हम लोग पूरा जरा दिखाता हूँ हम लोग कौन से जगह पे सोए हुए हैं। मतलब यहाँ से क्या ही बोलूँ, ऐसे जगह पे है कि नदी किनार पे, वाटरफॉल किनार पे, लाइफ का मतलब पहला एकदम से ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, ऐसा कभी लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आप देख सकते हो उठते ही मेरे को क्या दिखाई देता है, देखिए वाटरफॉल। हेलो गाइस, तो वाटरफॉल दिखाते हैं। भाई लोग तो उठ चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, एंड इधर नदी और इधर फिर मैं, तो मेरा सामने इधर में हुआ क्या, मतलब देख के ही कितना मज़ा आ रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लग रहे हो, और ये नज़ारा देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। एंड अभी फ्रेश अप व्रेश अप करेंगे एंड देन फिर आपको मैं दिखाऊंगा हम लोग आज कहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, और भी बहुत मस्ती करने वाले हैं। सिला पास में जाके हम लोग फिर वहाँ पे आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूँगा बहुत चीज़, सारा चीज़ जो आपने नहीं देखा होगा और हम लोग भी नहीं देखा होगा शायद। नहीं मतलब देखने के लिए वहाँ में सिर्फ स्नो है, पर हम लोग आज स्नो में जाके खेलेंगे, मस्त करेंगे और वही आप चीज़ आप लोग को भी दिखाऊंगा। टिल देन मेरा वीडियो में ऐसे बने रहना, आगे तक ऐसे बिना स्क्रीन पर देख देना, ठीक। टेम्पो में चलते रहो, बस बस यही है। स्लिप नहीं होगा, इधर बहुत दूर है, आगे है टाइम। वो लगा दिया था तो सीधे लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा हम लोग को, देखो नहीं होगा। आगे चलो ना, आगे चलो ना, आगे चलो ना। कल इन पे पानी है आपको, चलो मरने से पहले। फाइनली आई लव सिला पे आ गया है, और यहाँ का जमीन तो क्या ही बोलो, बर्फ ही बर्फ, और जमीन तो कुछ नहीं। आपको और एक चीज दिखाऊंगा मैं, यहाँ का जो है ये आप जो देख रहे हो ना, लाइक ये नदी है, एक्चुअली नदी भी पूरा बर्फ हो गया अभी ऐसे देख सकते हो, और ये आई लव सिला को तो दिखाई दिया आप लोगों को, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आज मतलब इतना हम लोग को एडवेंचर नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था यहाँ में बहुत सारा बर्फ था, और उसी सिलसिले में चक्का भी बार बार स्लिप हो रहा था, हम लोग आगे नहीं जा पा रहा था। ऐसा सिचुएशन नहीं है, आराम से निकल जाएगा ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ का नदी कुछ खास बहुत है, हम लोग कोशिश करेंगे नीचे जाने का, अगर नीचे जाता है तो आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा फोटो सेक्शन चल रहेगा, इतना दूर आया तो एक दो फोटो तो बनना जरूरी है गाइस। अक्षिंग आ रहा बार बार। तो ये मानव जब ये मार्स को होता है ये ऐसा ऐसा दिखता है, और ये नहीं, और ये जो क्या है नवंबर को ऐसे दिखता है। तो गाइस हम लोग ने यहाँ में फोटो वोटो भी क्लिक कर लिया फिलहाल, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलने के लिए कर रहे हैं। चक्का वक्का भी बांध लिया, आप देख सकते हो ये चक्का भी बांध लिया, ये हम लोग ने ऐसे बने, और इधर पे दो भाई लोग बन रहे हैं, और काफ़ी आज जितना सकेंगे हम लोग डायरेक्ट घर पहुंचने का कोशिश करेंगे, बहुत दिन से हो गया तो ऐसे क्या होते हैं। इस फाइल हमें यहाँ निकल चुका है, और देखते हैं आगे सिला टॉप में या सिला पास में क्या होता है। फाइनली हम लोग ने सिला टॉप में हम लोग यहाँ का गेट का भी फोटो वोटो भी ले लिया, अभी वीडियो भी ले लिया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है कैसा लगा बोल देना। गाइस फाइनली हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अभी आज को इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि क्या ही बोलूं, इतना स्नो नहीं है, ब्लैक आइस भी नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस, और थोड़ा सा कांड हो गया था हुआ में, हम लोग का गाड़ी स्लिप हो गया था, तो इसका एक गाड़ी में लग गया था, हम उसको नहीं दिखा पाया क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो गया था एक औरत, तो उसी सिलसिले में फिर हमें कैसे वीडियो करता था वो और एग्रेसिव होता था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं किया। और फिलहाल तो हम लोग हमें वैशाखी में पहुँच चुका है, यहीं से हम लोग अभी वापस जाएंगे, कल तक हम लोग को घर पहुँच लेंगे, आज ही पहुँच जाएंगे शायद। अभी यहाँ से तो अभी कितना बॉमडिला निकल गया, डायरेक्ट दिरंग में खाना वाना खाएंगे शायद, ब्रेकफास्ट लंच जो भी होगा खाना बनाएंगे खाएंगे, या तो डायरेक्ट जा भी सकते हैं मालूम नहीं, वैसे क्या होता है अगर कुछ होता है तो आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। एक चीज़ हमें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अभी अभी वो रिसेंटली स्नोफॉल हो रहा है, वाह ऐसा लग रहा है, बहुत मस्त होगा,
ऐसे आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। बिल्डिंग ऐसे देखते रहना। वाह ये देखिए स्नो फॉल हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वाह इन डॉगी लोगों को पूरा एंजॉय करने के लिए आ गया। वाह अच्छा लगा देख के। तो गाइस हम लोग यहाँ पे फिर से वही रामा खाना रामा कैंप पे आ गया है। रामा कैंप पे यहीं पे हम लोग अभी कुछ कुछ सब्जी वगैरह मतलब मीट चिकन ले लिया। चिकन लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ से कुछ दुकान तो ऐसे हमें बंद है, तो यहीं से उठा कर यहीं में खाना वाना खा लेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई थोड़ा आगे किसको मत किसको ना। तो गाइस फिलहाल हम लोग फिर से आ गया है रामा कैंप पे, और रामा कैंप पे ही हम लोग हमें आज लंच वगैरह करेंगे लंच एंड यहाँ इसके बाद डायरेक्ट निकल जाएंगे। और एक्चुअली मेरा फ़ोन में भी बैटरी बहुत कम है, ये वीडियो भी जैसे तैसे बना रहा हूँ, शायद 3% ऐसा कुछ रह गया बैटरी। तो अभी यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा है, और मैं होप आप लोग मेरा वीडियो को बहुत अच्छा लगा हो। हम लोग का साथ में यहाँ में किचन है, और ये पंकज भाई पूरा रेडी कर रहा है। खाना तो मैंने बैठा दिया, बर्तन खाली धुला के सब कुछ कर लिया। और जितना हो सके फिर से वही बोलूँगा मैं बार बार, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और आप लोग के लिए मैं नए नए वीडियो और लाने का कोशिश करूँगा, कुछ इधर उधर ट्रैवलिंग का लाने का कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं आप लोग को अपडेट देते रहूँगा इसके लिए। और वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़, और हो सके तो जो भी हो, मैं भी थोड़ा इतना परफेक्ट नहीं हूँ तो माफ़ कर देना, कुछ गलती भी हो सकता है मेरे से। आप लोग को हम वापस घर जाएंगे, कितना बजे तक पहुँचेगा मालूम नहीं, रात हो जाएगा, तो बेहतरीन नहीं होने के कारण मैं यही एंड कर रहा हूँ, मेरा वीडियो ख़राब नहीं पड़ेगा। और हो सकेगा तो मेरा और आप लोग को नया नया वीडियो अपलोड अपडेट देते रहूँगा, कहाँ जाना है, कहाँ ट्रैवलिंग करूँगा, क्या करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू गाइज। और